हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एमसीक्यू में करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक आर्टिकल 370 द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑब्वियसली 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना दिया गया है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक को जो है बी ए जी नूरानी ने लिखा है। ए जी नूरानी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने इस फेमस बुक को लिखा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज डिसाइडेड टू शट डाउन इन जुलाई 2019। जैसा कि आप जानते हैं कि नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक का स्थापना किया गया था। बहुत सारे प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट किए, लेकिन पेमेंट्स बैंक जो हैं वो यूनिवर्सल बैंक, जैसे आप एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक देखते हैं, ये यूनिवर्सल बैंक है। यूनिवर्सल बैंक का मतलब है ये डिपॉजिट ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं और बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक होते हैं वो उसे स्पेसिफिक बैंक कहते हैं, यानी कुछ विशेष पर्पज के लिए बनाए गए हैं। तो पेमेंट बैंक का क्या है, ये डिपॉजिट तो ले सकते हैं प्रत्येक कस्टमर से, यानी जो भी डिपॉजिटर हैं वो अधिकतम 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन ये पेमेंट बैंक नॉर्मल पब्लिक को लोन नहीं दे सकते हैं। इस कारण से इन बैंक्स को, पेमेंट बैंक्स को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक ने यह घोषणा की कि हम बंद कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए लगा कि ये वायबल नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2018-19, यानी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। तो इसमें दो ऑप्शन जो क्लोज हैं, यूएसए एंड चाइना। तो 2018-19 के आप डेटा देखेंगे तो यूएस जो है स्लाइटली ज्यादा है, यानी सबसे अधिक बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है। 2018-19 के लिए यूएसए से हमारा जो टोटल ट्रेड था वो 87.955 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें कि हमने एक्सपोर्ट जो किया 52.406 बिलियन यूएस डॉलर, और हमने जो इंपोर्ट किया वो 35.549 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि चाइना दूसरे नंबर पे है। चाइना से हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। तो टोटल यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिलाकर के जो लार्जेस्ट होगा वो यूएसए हो जाएगा। और एक्सपोर्ट आज देखें तो एक्सपोर्ट में भी यूएस सबसे ज्यादा है, लेकिन इम्पोर्ट में हम सबसे ज्यादा जो है चीन से करते हैं। नेक्स्ट, Which of the following country recently recognized forest as living entities? इसका आंसर अल सल्वाडोर हो जाएगा। ये लिविंग एंटिटी रिकॉग्नाइज करने का ये मतलब होता है कि जो भी हमारे फॉरेस्ट यानी इस कंट्री के जो फॉरेस्ट हैं उनको लिविंग persons के तरह राइट्स प्राप्त होंगे। राइट्स ये जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को लिविंग एंटिटी बना दिया। लिविंग एंटिटी बनाने से ये फायदा होता है कि उसके कुछ राइट्स हैं, अदरवाइज आप नदी को पॉल्यूट करते हो बहुत सारी चीजें, तो उस अनुसार वहाँ उसे ये अधिकार दिया गया है कि उनके नदी के बिहाफ पे जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे वो देख रेख कर सकते थे। तो इसी प्रकार ये जो अल सल्वाडोर है इसने रिसेंटली क्या किया है कि फॉरेस्ट को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट, AUMX 2019 ये क्या है, तो ये जो है नंबर बी फर्स्ट आसियान यूएस मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी पहला आसियान अमेरिका समुद्री अभ्यास। जैसा कि आप जानते हैं आसियान 10 देशों का एक समूह है, यानी जो हमारे लिए जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, और चूंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री अभी आसियान समिट में गए हुए हैं, ये इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है AUMX 2019 ये अमेरिका और आसियान देशों के साथ
सामुद्रिक युद्धाभ्यास है, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हज़ा अल मंसूरी गोट द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ही बिलोंग्स टू जो अंतर्राष्ट्रीय आपका अंतरिक्ष स्टेशन है पृथ्वी की कक्षा से करीब 400 किलोमीटर के दूरी पे, वो जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है और विभिन्न स्पेस स्टेशन पे विभिन्न देशों के जो जिनको जिनको अथराइज्ड होता है कुछ क्रू मेंबर वहाँ रहेंगे और वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी हाल में चर्चा में इस वजह से था कि फर्स्ट टाइम जो था ऑल वीमेन क्रू स्पेस वॉक किए। स्पेस वॉक का मतलब जो वो स्पेस स्टेशन है उसके बाहर निकल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स, तो उसमें ये सिचुएशन था कि वो उसके लिथियम आयन बैटरी को चेंज करना था और उसके बारे में थोड़ा उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर करना था। तो ये जो है हज़ा अल मंसूरी ये अरब वर्ल्ड के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हो गए हैं और ये यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात के से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इंडिया इज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है विभिन्न पैरामीटर के आधार पे। तो 2020 के लिए जो इंडेक्स जारी किया गया उसके अनुसार भारत की रैंकिंग 63rd है और 2019 के अनुसार देखेंगे तो 77 है। तो 2019 से 20 में 14 अंकों का ये हुआ है इजाफा हुआ है और 2018 में यदि आप देखेंगे तो 100 था। तो इनफैक्ट 2014 में देखेंगे तो 140 के करीब था। तो भारत जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और ये खुशी की बात है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें जल्द ही इसको 50 के अंदर लाना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2020 के लिए 63rd। नेक्स्ट विच कंट्री इज गोइंग टू रिज्यूम द यूज ऑफ डेथ पेनाल्टी आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ ब्रेक। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो है 16 साल बाद फिर से डेथ पेनाल्टी देने जा रहा है। बहुत सारे इसके केसेस ऐसे हैं तो इसे अमेरिका को ये लगा कि उन केसेस में डेथ पेनाल्टी मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल बेस्ड मोटरसाइकिल। इसका आंसर हो जाएगा टीवीएस मोटर। ग्रेजुअली विद टाइम पासिस जो है वो अधिक से अधिक फ्यूल इफिशियंट और कम से कम प्रदूषण करने वाला हम व्हीकल का इजाद कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल इस दिशा में सबसे उपयुक्त साधन है। तो इसी डायरेक्शन में टीवीएस मोटर ने क्या किया है कि इथेनॉल बेस्ड मोटरसाइकिल लॉन्च किया है अपाचे 200cc का और इसका प्राइस अप्रोक्स 120,000 के आसपास ये होंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल होस्ट द 2022 नेशनल गेम्स। नेशनल गेम हर साल अलग अलग राज्यों में होता है तो 2022 के लिए तो मेघालय में होगा, 2019 में गोवा, 2020 में छत्तीसगढ़, 2021 में उत्तराखंड और 2022 यहाँ पूछ रहा है ये मेघालय हो जाएगा। इसके आंसर यहाँ दिए गए हैं। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।